सुबह नींद से उठने के बाद जब हम डॉर्मेट्री रूम के ये बैल्कनी में आए तब ये सुंदर कॉफी गार्डन्स हमारा स्वागत कर रहा था। जॉस्टल के प्रॉपर्टी के चारों तरफ सुंदर पेड़ पौधों से सजाया हुआ है। मेन बिल्डिंग के आसपास छोटे छोटे कॉटेजेस भी बनाया हुआ है और इसके साथ साथ यहाँ पे एक वॉच टावर भी बनाया हुआ है जिसके ऊपर हम लोग चढ़ गए। वॉच टावर से चारों तरफ का नजारा बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा था और यहीं पे हम लोग डिसाइड किए कि सुबह का कॉफी पियेंगे। देखते ही देखते हमारा ऑर्डर किया हुआ कॉफी आ गया और कुर्ग का कॉफी के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। एकदम से 100% देसी कॉफी है और इसका एरोमा, इसका टेस्ट लाजवाब है, लाजवाब। तो इसी कॉफी के फ्रेशनेस के साथ हमारा दिन का शुरुआत हुआ। जॉस्टल के प्रॉपर्टी के अंदर कुछ खास चीजें हैं जिनके बारे में बताना बहुत ही जरूरी लगा मुझे। उन्हीं में से एक है ये वुडन स्टेयरकेस। यहाँ के सीढ़ियाँ लकड़ी से बना हुआ है। पुराना गॉथिक आर्किटेक्चर में या फिर ब्रिटिश आर्किटेक्चर में ऐसे सीढ़ियाँ बनाया जाता था। बीच में हमको थोड़ा अकेला टाइम मिल गया तो हम सोचे कि एक मसाला टी ऑर्डर कर लेते हैं और मसाला टी हाथ में लेकर हम चल पड़े कॉफी गार्डन एक्सप्लोर करने। और यहाँ का पहाड़ी रास्ता इतना सुंदर है कि क्या बताएं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई कलाकार के बनाए हुए चित्र हो। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है और सुबह की ठंडी हवाएं बह रहे हैं और देखते ही देखते हम लोग कॉफी गार्डन के बीचों बीच आ गए। यहाँ के ये कॉफी गार्डन्स पश्चिम घाट पर्वत के ढाल पे बनाया गया है। जहाँ तक मुझे पता है कॉफी एक ट्रॉपिकल प्लांट है जो वर्षावनों में पाया जाता है ब्राजील में। और यहाँ पे साउथ इंडिया में पश्चिम घाट पर्वत पे बहुत बारिश होने के कारण यहाँ पे भी कॉफी ज्यादा उगता है। हम भूगोल में पढ़े थे साल में यहाँ दो बार वर्षा का मौसम आता है। एक बार दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा जब बहता है तब, और एक बार उत्तर पूर्व की मानसूनी हवा जब बहता है तब। इसीलिए यहाँ के कॉफी गार्डन्स एकदम से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जैसा लगता है। और ये है हमारा डॉर्मेट्री रूम का अंदर का नजारा। डॉर्मेट्री रूम में 8 बेड लगा हुआ है और ये जो डॉर्मेट्री रूम का बैल्कनी है यहाँ से हम पिछला बार जो नजारा दिखाए थे वो दोबारा देख लीजिए। तो ये नजारा है ना कमाल का। अपने खिड़कियां और बैल्कनी से अगर ये ऐसे ग्रीन ग्रीन बैकग्राउंड दिखाई देता है हमको तो भाई बहुत ही सुकून मिलता है। और फिर यहाँ का जो कॉमन स्पेस है ये गेमिंग रूम, इसमें हम लोग चले गए गेम खेलने और बहुत सारे गेम में से हम लोग पूल गेम चूज किए। ये मेरा पहला बार था जब मैं पूल गेम खेल रहा था तो इसमें भी मेरा एक्साइटमेंट आप लोग देख ही सकते हैं। कभी कभार मैं ओवर एक्साइटेड होके एकदम से छोटे बच्चों के जैसे बर्ताव करना शुरू कर देता हूँ। जॉस्टल से हम लोग निकल पड़े पैदल मडिकेरी के ओर। जॉस्टल से मेन रोड तक 2 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ेगा, उसके बाद ही हमको बस मिलेगा। चलते चलते हम लोग साइट सीन्स एंजॉय कर रहे थे और यहाँ के नेचुरल फ्लोरा और फौना के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जब मैं घर पे था तो वर्क प्रेशर और स्ट्रेस से मेरा दिमागी संतुलन बर्बाद हो रहा था और यहाँ पे देखिए मैं एकदम टेंशन फ्री, कितना खुश नजर आ रहा हूँ। वही काठा लेचुर मिली है इसी रोए से। किन्तु एखाने पेके पेके गाच थेके पोड़े नीचे पोचे गेछे किन्तु केउ एगुलो हाथो लागायनि। এটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল হলে গাছেই থাকতো না, গাছ থেকেই চুরি হয়ে যেত। অচানক হম লোক দেখে কি ইয়াহ পে লোকাল কুছ লড়কিয়া চল কে আ রহে থে। ভো লোক ভি এসে হি প্যাদল চল কে হর রোজ আপনে স্কুল জাতে হ্যায়। ये जो रोड आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये नया बना है इसीलिए ये पूरा सफेद दिख रहा है, लेकिन ऐसे रोड यहाँ पे ज्यादा है नहीं। यहाँ के ज्यादातर रोड अभी भी खराब ही है।